दोस्तों किसी भी पर्सन के लिए उसे सबसे प्यारी उसकी रिस्पेक्ट होती है, और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो भीख में मांगने से नहीं मिलती बल्कि इसे कमाना पड़ता है। अगर कहीं हमारी बेसिक रिस्पेक्ट भी ना हो वहाँ शायद हम ज्यादा देर रहना पसंद भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों हमें अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है? और अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को इतना सीरियसली नहीं लेते तो क्यों आपको आज से इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए? कैसे आप नेचुरली रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो? क्यों आपको यानी आज के यूथ को जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए? और कैसे इसे दूसरों से मिलने वाली वैलिडेशन की तरह देखने की जगह इसे अर्न करके कैसे हम इसे खुद के और अपनी लाइफ के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोगों की रिस्पेक्ट होती है उन लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, चांसेस, ट्रस्ट, कम इमोशनल पेन, ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और ऐसे लोगों के ओपिनियंस और बातों को लोग ज्यादा वैल्यू भी देते हैं और सुनते भी हैं उन लोगों के मुकाबले जिनकी बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं होती। अब दोस्तों यहाँ हमारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि लोग हमें वैल्यू दें सिर्फ इसीलिए हम रिस्पेक्ट बिल्ड करें, बल्कि हमें एक वाइज और माइंडफुल पर्सन की तरह रिस्पेक्ट होने की वैल्यू को समझते हुए इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है। लेकिन रिस्पेक्ट दो तरीके की होती है, फर्स्ट इज फेक रिस्पेक्ट, सेकेंड इज रियल रिस्पेक्ट। फेक रिस्पेक्ट में कुछ लोगों को सिर्फ उनकी रैंक, पोस्ट, पोजीशन, ज्यादा उम्र, ज्यादा पैसा या उनके सोशल स्टेटस की वजह से रिस्पेक्ट दी जाती है। ये सभी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई किसी के रिस्पेक्ट सिर्फ इन्हीं चीजों को देख के करे तो ये गलत है, क्योंकि ये सब खोते ही वो पर्सन अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू भी खो देगा। क्योंकि फेक रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो लोग आपके फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए आपको देते हैं। नाउ व्हाट इज रियल रिस्पेक्ट? फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी एक ऐसे महान पर्सन है जिनकी लोग रिस्पेक्ट सिर्फ उनके पैसे, उनके स्टेटस या पोजीशन की वजह से नहीं बल्कि वो ऐसे ह्यूमन कैसे पर्सन है, उनकी कोर वैल्यूज क्या हैं, इसलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो अपनी वेल्थ या पोजीशन खो भी देंगे तो लोग तभी भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितनी आज करते हैं। अगर हम इंडियंस को रतन टाटा जी और उनके बराबर ही कोई और सक्सेसफुल और वेल्दी पर्सन में से किसी एक पर्सन की बात को फॉलो करने का ऑप्शन दिया जाए तो शायद अधिकतर लोग रतन टाटा जी की बात को ज्यादा वैल्यू देंगे। और ये होता है रियल रिस्पेक्ट होने का एडवांटेज। एक रिस्पेक्टेड पर्सन की उसके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, वर्क प्लेस, फैमिली और फ्रेंड्स में एक वैल्यू होती है जिस वजह से उन्हें वो बेनिफिट्स मिल पाते हैं जो बाकियों को नहीं मिलते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप कोई भी काम करते हो, आपकी कितनी भी उम्र हो, कोई सी भी भाषा बोलते हो, कहीं भी रहते हो, लोग आपके कैरेक्टर की और आपकी रियल रिस्पेक्ट करें ये बहुत जरूरी है। कुछ टिप्स या ट्रिक्स सीखकर आप फेक रिस्पेक्ट तो पा सकते हो मगर उससे आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हो जहां लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको सबसे पहले एक रूल समझना होगा जो कि है ट्रीट अदर्स लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड, यानी सभी लोगों से बिना कोई कंपैरिजन किए उसी तरह से पेश आओ जिस तरह आप चाहते हो कि लोग आपसे पेश आएं। द डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट। एक बार एक भिखारी फटे पुराने कपड़ों में एक शॉप में जाता है जहाँ अंदर जाते ही उससे आ रही बुरी गंध और स्मेल से आसपास के सभी लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली, मगर शॉप के ओनर ने उसे अंदर आने दिया और उसकी बात सुनी। जहाँ उस भिखारी ने अपनी जेब से जमा करे हुए पैसे निकाले और शॉप के ओनर को बताया कि वो खाने का सामान खरीदना चाहता है, जिसे सुनकर उस शॉप के ओनर ने खाने का सामान उस भिखारी को दे दिया, जिसके बदले में उस भिखारी ने उसे पूरे पैसे भी दिए, जिसे देखकर उस शॉप के ओनर का बेटा उसके पास आया और पूछा कि आपने इस बेचारे भिखारी से पैसे क्यों लिए, आप इसे सामान फ्री में भी दे सकते थे। जिसके रिप्लाई में शॉप के ओनर ने अपने बेटे से कहा, वो हमारी शॉप में खाने की चीज खरीदने आया था, भीख मांगने नहीं, और इस बात के लिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जहां अगर मैं उसे चीजें फ्री में दे देता तो वो उसकी इंसल्ट होती। तो ये होता है बेसिक रिस्पेक्ट का ट्रांजैक्शन, मतलब जहां उस भिखारी ने उस शॉप ओनर की रिस्पेक्ट करी उससे फ्री में कुछ नहीं लिया, वहीं उस शॉप ओनर ने उस भिखारी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उससे पैसे ले लिए। तो आपको रिस्पेक्ट पाने के लिए खुद को बड़ा या एटीट्यूड वाला दिखाने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें बिना जज किए उसी रिस्पेक्ट से लोगों को ट्रीट करना चाहिए जो रिस्पेक्ट हम चाहते हैं। जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते उन्हें अक्सर एक वीक कैरेक्टर वाले इंसान के रूप में देखा जाता है और लोग उन्हें भरोसे लायक नहीं मानते। रिस्पेक्ट इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिंपली ये आज के टाइम पे रेयर है। आपको ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो खुद की फेक रिस्पेक्ट करवाना तो जानते हैं बट उन्हें किसी और की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, इसीलिए अगर कोई सच में रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है तो लोग उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू करने लगते हैं। और रिसर्चे शो करती हैं कि जो लोग अपनी रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को मेंटेन कर पाते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं और तो और ऐसे रिलेशनशिप्स ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में से रिस्पेक्ट निकाल दोगे तो उस रिलेशनशिप में कुछ बचेगा ही नहीं, वो चाहे आपके दोस्तों, आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स, फैमिली या फिर आपका बॉस। रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है, लेकिन अब हम जानेंगे कि जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो रियल रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाए। नंबर वन, फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। कोई आपकी इज्जत करे इसके लिए पहले आपको खुद
अपनी इज्जत करना जरूरी है। लोग कुछ भी कहें, इससे पहले आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। आप में ये हिम्मत होना जरूरी है कि आप अपने साथ किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का विरोध कर सकें। खुद के लिए आवाज उठाएं बजाय चुप बैठकर सब सहते रहने के। चाहे आपकी फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स या पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करते, तो उन्हें एक सही तरीके से उनकी बाउंड्रीज बताओ। जब आपकी खुद की नजरों में ओवर कॉन्फिडेंस या एटीट्यूड नहीं बल्कि खुद के लिए रिस्पेक्ट होगी, तभी दूसरों को भी आपकी आंखों में आपकी रिस्पेक्ट दिखाई देगी। जिसके लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ो और जो आप चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और ज्यादा इंक्रीज होगी। नो वेन टू स्पीक अप। अपने रिस्पेक्ट पाने के लिए ये पता होना जरूरी है कि आपको अपना मुंह कब खोलना है और कब नहीं। ये तब और ज्यादा जरूरी है जब आप कोई नई जगह में और नए लोगों के बीच हो। हमेशा वही बोलें जो जरूरी है। चुप रहने से आपकी पर्सनैलिटी एक मिस्टीरियस पर्सन की जैसे उभर कर आएगी और लोगों को लगेगा कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आप हर किसी से उनके सीक्रेट शेयर नहीं करोगे। बहुत जल्दी जल्दी या बहुत ज्यादा बोलने से हम एक बेवकूफ जैसे दिखते हैं, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि आपको कब और कितना बोलना है। बी ऑनेस्ट। आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। हमेशा जितना हो सके बिना डरे सच बोलें। अगर आप किसी के बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं, तो जो सच है वो डायरेक्ट कहो और साफ साफ कहो। उसमें अपनी बातें जोड़कर उसे शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलकर आप किसी से इज्जत नहीं कमा सकते। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, पार्टनर या फ्रेंड कुछ गलती कर रहा है, तो उसे साफ साफ बिना डरे बोलो, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन इससे होगा ये कि आप अपनी नजरों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोओगे, और जब उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, तब वो आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करेगा कि आपने सच बोला, ना कि वो बोला जो वो सुनना चाहता है। साथ ही जिन चीजों के बारे में आपको ना पता हो, वहाँ आपको चुप ही रहना या सीधा ये कहना कि आपको इसके बारे में नहीं पता ज्यादा बेटर होता है। जो इंसान अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है, वो सम्मान और रिस्पेक्ट के लायक होता है और लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। You have to learn to say no. बहुत अच्छा और नाइस होना भी आपको कमजोर शो करता है। इसीलिए क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपको क्या नहीं करना। फॉर example, अगर कोई पर्सन अपना काम आपसे करने को कहे और पूछते वक्त बदतमीजी से पेश आए, तो आपको ना कहना आना चाहिए। किसी की मदद करना बस इसलिए क्योंकि उसने आपको मदद के लिए कहा, ये जरूरी नहीं है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसने मदद के लिए आपसे किस वे में पूछा है। कभी किसी को अपना फायदा ना उठाने दो। आपको उन्हें बताना होगा कि ये काम आपका नहीं है बल्कि उनका है, और वो अपने काम से पीछे छुड़ाने के लिए ऐसे अपने काम किसी पर थोप नहीं सकते। तो अपना काम फुल डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ करो और फालतू के काम या चीजों को मना करो। इससे उनको समझ आएगा कि आपको अपने वक्त की वैल्यू पता है। कन्वे कॉन्फिडेंस विद द राइट डोज ऑफ ह्यूमिलिटी। कोई भी इंसान जो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता जाता है, वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज, अच्छे मैनर्स, अच्छे बिहेवियर से आप अपनी एक बढ़िया इमेज बनाते हैं। इसके साथ ही लोगों को ऐसा शो होता है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप अपने काम में माहिर हैं। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस शो करिए, बिकॉज योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पर आपको ये दिमाग में रखना है कि कॉन्फिडेंट होने और एरोगेंट होने के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है, और आपको इनके बीच की ये बाउंड्री पार नहीं करनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बस रिस्पेक्ट का डिफरेंस है। जब आप सामने वाले के व्यू की वैल्यू रखते हुए अपनी बात आगे रखते हो, ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। वहीं अगर आप सिर्फ अपनी बात को वैलिडेट करवाने की कोशिश करते हो, ये आपका एरोगेंस शो करता है। सो बी रिस्पेक्टेड, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।